देखिएगा ये नीचे किला है यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं नाविद और आप देख रहे हैं नाविद ब्लॉग। सो गाइस, दिन की हो चुकी है शुरुआत और ये सेकंड पार्ट है वीडियो का। और पिछले पार्ट में मैंने जैसे कि आपको दिखाया था, रात को हम पहुंच चुके थे नौसराधार। आज सेकंड पार्ट में हम नौसराधार एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखाएंगे यहाँ से कुछ व्यू। और अभी मैं आया हूँ यहाँ पे शेफर्ड्स के पास, जो बकरियाँ चराते हैं यहाँ पे। और भाई इतने अच्छे इंसान हैं, सुबह सुबह चाय ऑफ़र कर दी और अभी चाय पी रहे हैं। उसके बाद आपको और भी व्यू दिखाएंगे यहाँ पे। और इनके डॉग्स देखो यहाँ पे यार, कितने तगड़े हैं। ये देखिए यहाँ पे है अंदर, बहुत अच्छे इंसान हैं। चाय पिला दी इन्होंने, चाय पीते हैं। सो गाइज, अभी मैं आ चुका हूँ अपने कैंप पे और यहाँ पे अभी हम बना रहे हैं चाय। ये देखिए ये आग जलाई है और यहाँ रात को हमने कैंप किया है। यहाँ पे एक मंदिर भी है और यहाँ पे हमने रात को टेंट लगाए थे और ये चाय बना रहे हैं अभी। और वहाँ जाने का प्लान है वैसे, पर अभी डिस्कशन चल रही है, अगर बनेगा मूड तो वहाँ जाएंगे, नहीं तो यहाँ से वापस है आज। सो गाइस, सारी पैकिंग हमने कर ली है और जो हमारा सामान था वो हमने टेंट के अंदर रख दिया है। वो देखिए वहाँ पे, अभी हम ऊपर जा रहे हैं। ऊपर एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है जहाँ से बहुत अच्छा व्यू है, तो आपको वहाँ पे लेके चलते हैं, दिखाते हैं वहाँ से कैसा व्यू है। सामान यहाँ पे रख दिया क्योंकि वहाँ से हमने वापस आ जाना है आज, और आज शायद घर भी निकल जाए हम। सो गाइस चलते हैं। सो गाइस, ये है यहाँ से बहुत शानदार व्यू, वो जो आप माउंटेन देख रहे हैं उसको हुडान कहते हैं। और यहाँ से क्रॉस करके आगे आप गडासरू महादेव का जो ट्रैक है, डल है, वहाँ के लिए रास्ता है। अभी तो हम नहीं जा रहे आगे क्योंकि रास्ता अभी तो बहुत ख़राब दिखाई दे रहा है। सो गाइज, हमने रिस्क नहीं लेना है और यहाँ से अब वापस जाएंगे नीचे। वो जो ग्राउंड दिख रहा है बहुत बड़ा, भरभूट बोलते हैं यहाँ पे। सो गाइज, यहाँ पे फ़ोटो शूट करते हैं। तो गाइज, वापस हम पहुंच चुके हैं अपने कैंप पे और अब जो सामान बचा है उसको पैक करेंगे और टेंट को पैक करेंगे और चलेंगे नीचे की तरफ बरमूड। और यहाँ रुके थे हम रात को, नोसरा बोलते हैं यहाँ पे। सो गाइज, पैक करते हैं और चलते हैं। सो गाइज, अभी निकल चुके हैं हम नौसराधार से वापस बरमूड की ओर। सबके बैग सबकी पीठ पे हैं और यहाँ से हम अभी अपनी बॉटल्स फिल कर रहे हैं पानी की। आगे का कुछ पता नहीं है कहाँ मिलेगा पानी, और ये सब रेडी है। तो गाइज चलते हैं बरमूड की ओर। सो गाइज, यहाँ पे सीन हो चुका है, अभी रास्ता भूल चुके हैं हम। और ये देखिए यहाँ से नीचे तो खाई है एकदम। कुछ बंदे हमारे इस साइड गए ढूंढने, कुछ बंदे इस साइड हैं, लेकिन रास्ता मिल नहीं रहा है। ढूंढते रास्ता, फिर देखते हैं क्या होता है। सो गाइज, यहाँ से बहुत ही मुश्किल रास्ता है यार, चलना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। और ये देख सकते हैं आप, एडवेंचर ही एडवेंचर है, रास्ता भूल चुके हैं हम। देखते हैं कहाँ जाके निकलेंगे अब। मैन वर्सेस वाइल्ड वाला पूरा सीन बन चुका है अभी तो। भाई बहुत मुश्किल रास्ता है, देख सकते हो आप कितना मुश्किल है।
बड़े मुश्किल है गाइस, तो आप देख सकते हैं कितना ही मुश्किल ट्रैक बन चुका है, बहुत मुश्किल है भाई। ये देखिए बहुत कांटे, बहुत ही फूल पेड़, बहुत मुश्किल से रास्ता कंटिन्यू हो रहा है। आराम से आए देखिएगा ये नीचे, और यहाँ से आना पड़ रहा है। सो गाइस फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, बहुत मुश्किल से बिना रास्ते के ऐसे ही झाड़ियों के बीच बीच से। और ये रहा हमारा भरमूड, आई थिंक अभी थोड़ा और आगे जाना हमें, बट भरमूड की शुरुआत हो चुकी है हमारी डेस्टिनेशन की। चलो आपको आगे पूरे अच्छे से दिखाते हैं। सो गाइस फाइनली हम एक घर में पहुँचे, और ये गुज्जर समुदाय जो लोग होते हैं उनका घर रहता है, जो कि गर्मियों में यहाँ रहते हैं और सर्दियों में पंजाब चले जाते हैं। अभी अंदर जाएंगे, आग उग जलाएंगे, खाना बनाने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कैसा अंदर से और कुछ ऐसा है यहाँ पे। सो गाइस आग जला ली है और अभी पतीला चढ़ा दिया है, और अभी बना रहे हैं हम वेज पुलाव। ये है यहाँ पे टमाटर, आलू और चावल डालेंगे, इसमें प्याज डाल दिया, इसको ब्राउन होने देते हैं। सो गाइस खाना खा के हो चुके हैं हम फ्री, और अभी खाना खा रहा है हैप्पी सन्नी। मैंने तो खाना खा लिया है, बहुत टेस्टी चावल बने थे, एकदम पूरे अच्छी तरह से पक चुके थे, और आग देखिए कितनी अच्छी है। और आज का हमारा प्लान यही है कि यहीं पे स्टे करेंगे, थोड़ा फोटो शूट करेंगे, और उसके बाद कल सुबह निकलेंगे अपने घर की ओर वापस। सो गाइस थोड़ा सामान तितर बितर है, पैक कर लेते हैं। सो गाइस रात का खाना बनाना शुरू कर दिया गया है, और ये तेल डाल दिया है, आग जल चुकी है और टमाटर प्याज कट चुका है। सो गाइस बनाना शुरू करते हैं, काफ़ी रात हो चुकी है। सो गाइस हमारे पुलाव बन चुके हैं, वेज पुलाव, और यहाँ पे लाइट नहीं थी इसलिए मैं दिखा नहीं पाया कैसे मैंने इसको बनाया, बट अब ये बन चुके हैं, तो इसको अपनी प्लेट में डालते हैं सभी और खाना शुरू करते हैं। सो गाइज खाना हमने खा लिया है, खाना खा के हो चुके हैं हम फ्री, और अभी सभी बैठे हैं, आग सेक रहे हैं और आनंद ले रहे हैं आग का। और थोड़ी देर बाद अब हम सो भी जाएंगे, कार्ड्स खेलेंगे थोड़ी देर, आपको मिलते हैं अब सीधे सुबह। गुड मॉर्निंग गाइज, आज एक और सुबह जंगलों में, और ये आग जला ली है हमने, और पैकिंग स्टार्ट हो चुकी है। सन्नी सोया हुआ है, लाश की तरह लेटा हुआ है, और आग जला के हम रात को यहाँ पे रुके हुए थे। देखो ऐसी जगह है ये, और बाहर का व्यू दिखा दूँ मैं आपको एक बार, तो कुछ ऐसा व्यू है यहाँ से, ये देखिए क्या मस्त नज़ारा है। सो गाइज मैं और सनी अभी आए हैं यहाँ पानी के पास, बर्तन धोने और बोतल फिल करनी है, उसके बाद चाय नाश्ता करेंगे और वापस आज अपने घर की ओर चले जाएंगे। और यहाँ से देखिए कितना अच्छा नज़ारा है गाइज, वाह यार। सो गाइज फिर बर्तन धोते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। सो गाइज बर्तन धो के हम वापस आ चुके हैं, और अब चाय बनाने की तैयारी हो रही है, पानी चढ़ा दिया पतीले में, और अब चाय बनाते हैं और चाय पीते हैं और फिर वापस अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। सो गाइस चाय पत्ती हमने डाल दी है, चीनी डाल दी है, इलायची डाल दी है, और अब बस दूध डालना बाकी है और हमारी चाय रेडी हो जाएगी। सो गाइस चाय बन चुकी है और चाय पी भी रहे हैं हम,
बहुत लेट याद आया कि व्लॉग भी बनाना है, वीडियो भी बनानी है। सो गाइज अभी चाय पीते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। सो गाइज इट्स टाइम टू से गुड बाय टू दीज माउंटेन्स। अब यहाँ से हम अपने घर की ओर जाना शुरू कर रहे हैं। सामान हमारा सारा पैक हो चुका है, वहाँ पे टेंट है, ये हैप्पी अपना सामान पैक कर रहा है। यहाँ पे हमने आग जलाई थी और वहाँ पे हमने खाना बनाने के लिए आग जलाई थी और यहाँ पे सेकने के लिए, और यहाँ पे ही आज हम सो गए थे बिना टेंट लगाए, क्योंकि ये जगह जो है गर्म है। बहुत तगड़ी चीज़ बना के रखी है गाइज इन्होंने, देखो यहाँ पे यार। सो गाइज लास्ट बार देख लो ये नज़ारा भरबूड का। अब क्योंकि हम चल पड़े हैं वापस अपने घर की ओर, हमें उस रास्ते से जाना है और वहाँ से क्रॉस करना नीचे की तरफ। सो गाइज अभी हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे, वाटरफॉल हैं दो और वाटर क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पे। कम से कम 30% रास्ता हमने कवर कर लिया है और यहाँ से सीधा ही जाना है हमने आगे की तरफ। और अभी ऊपर से आए हैं एकदम, ये जो रास्ता बना है यहाँ से, और अब ये रास्ता है आगे, चलते हैं। सो गाइस यहाँ पे बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे जो बकरी चरवाहा होते हैं उनके कुत्ते हैं, जो हमारे आगे दो साथी गए हैं उनको खाने पड़ गए थे। तो अब यहाँ पे तो आ चुके हैं दो कुत्ते, देखते क्या होता है, खाने ना पड़े बस, थोड़ी विसल विसल बजा के चलना पड़ेगा। ओए ओए। तो गाइस देखिए ये शेफर्ड्स हैं यहाँ के, ये अभी पांगी से आए हुए हैं और अब 5-6 रातें यहीं पे काटेंगे और ये अपना जुगाड़ लगा रहे हैं यहाँ पे तिरपाल डाल के। और देखिए कैसी है इनके ये बकरियाँ यहाँ पे ऊपर, और बहुत जुगाड़ू लोग होते हैं गाइस ये। अभी ये वो जो पहाड़ी रेंज दिख रही है ना, पांगी साच पास क्रॉस करके अभी पहुँचे हैं, अभी इनके पास बैठे हैं थोड़ी देर, बातचीत करते हैं इनसे। तो गाइज वापस चल पड़े हम घर की ओर, अभी उन शेफर्ड्स के पास रुके हुए थे, पानी पूनी पिया उनके पास हमने भी, और बहुत ही अच्छे इंसान थे वो, पानी पिलाया उन्होंने हमारे पास, जो तेल वगैरह बच रहा था खाने बनाने का सामान वो उन्हें दे दिया हमने, क्योंकि उनके काम आएगा। अब यहाँ से नीचे सामान लाने के लिए तो उनको बहुत दूर पड़ता है, तो हमने सोचा क्यों ना उन्हें दे दें। सो गाइज चलते हैं, काफ़ी लेट हो चुके हैं, हमारे दो दोस्त आगे निकल चुके हैं, मिलते हैं आगे जाके। सो गाइज आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखाऊं यहाँ का, जो ये जो शेफर्ड होते हैं, ये पेड़ पहले पूरा भरा हुआ था, यहाँ साइड में आग जलाएंगे, जलाते 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 लगाते पूरा अंदर तक, और ये देखिए ऊपर कहना कर दिया जला जला के एकदम। यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा अंदर कैप्चर हो चुका हूँ मैं, ये देखिए पूरी केव बनी हुई है यहाँ पे, और कुछ यहाँ से आग जलाते और अंदर पूरा खोखला कर दिया इसको। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था, सोचा क्यों आपके साथ शेयर कर दूँ। तो गाइस अब ये पाइप क्रॉस करनी पड़ेगी हमें, देखते नीचे गिरता हूँ कि नहीं। डांडा झाड़ दे। हो या हो। चांस पूरे। डांडा दे दे। ओ यार कुछ नहीं होता हमें भाई। ये देखिए। तो गाइस मेरे को तो हो रही है। रुक रुक बोला रुक रुक। रुक रुक पड़ी ना जाऊँ मैं। ये देखो कैसे क्रॉस करना पड़ रहा है। सो गाइज अभी चले हुए हैं हम अकींद्रा की तरफ, जहाँ पे हमने फर्स्ट नाइट स्टे किया था, और कम से कम 60% रास्ता हमने कंप्लीट कर लिया है। और अभी ये जो पाइप आप देख रहे हैं इसके सहारे सहारे हम चले हुए हैं, और ये जो पाइप है ऊपर जहाँ हम गए थे वहाँ से आ रही है, और ये पीने का पानी है गाइज एकदम नेचुरल, जो नीचे गाँव है बिजराड़ू तिस्सा जितने भी गाँव हैं वहाँ पे सप्लाई हो रही है। सो गाइज अभी फाइनली हम पहुँच चुके हैं किंद्रा, और कम से कम 80% रास्ता हमने कवर कर लिया है, 20% रहा है, अब बस यहाँ से नीचे उतरना है। वो देखो घर की वाली
घर वाली रोड भी दिखाई दे रही है वहाँ पे। और चलते हैं, अब थोड़ी देर रेस्ट करेंगे यहाँ पे, पानी वानी पियेंगे और फिर निकल जाएंगे घर की ओर। सो गाइस, जो आप अभी देख रहे हैं ये है नाग छतरी, जिसका रेट अभी चल रहा है 2500 रुपये किलो। इसकी मेडिसिन बनाई जाती है और ये जड़ी बूटी जो कि पहाड़ियों की ऊंचाइयों पे मिलती है, ये अभी ऊपर से लाए हैं वहाँ से और यहाँ सुखाने के लिए रखी है। सो गाइस, अभी हम आए हैं एक शॉप पे, यहाँ पे जो लास्ट शॉप है यहाँ पे, यहाँ से ऊपर कोई शॉप नहीं है और यहाँ पे ऐसा सामान रखा हुआ है। ये अंकल आते हैं यहाँ पे और ऐसा कुछ व्यू अंदर से। सो गाइस, चलते हैं अब। सो गाइस, अभी हम यहाँ रुके थे, यहाँ पे हमने दूध और बिस्किट खाया क्योंकि लंच करने का टाइम तो हमारे पास है नहीं, घर पहुँचते टाइम से। और अभी अकिंद्रा से हम इन खूबसूरत वादियों को छोड़ते हुए घर की ओर चल पड़े हैं। सो गाइस, नीचे जाते गाड़ी के पास पहुँच के आपको दिखाते। सो फाइनली गाइस, अभी हम रोड में पहुँच चुके हैं, बहुत मुश्किल से मतलब देखे वहाँ से आए थे अभी ऐसे ऐसे करते और इधर से और यहाँ, और हैप्पी यहाँ से ही चला जाएगा, यहाँ से इसके घर के लिए शॉर्टकट है। और सन्नी बैठ गया है, दो बंदे हमारे आगे हैं अभी। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक ठीक है। अब हैप्पी को तो बाय कर दिया, अब चलते हैं अपने घर की ओर। ठीक है, हमारे यासिन भाई भी आ चुके हैं, चलो भाई। तो गाइज, फाइनली मैं पहुंच चुका हूं अपने घर, जस्ट अभी पहुंचा हूं और दोस्त मेरे अभी जा चुके हैं अपने घर। अभी मैंने उनको बाय किया है, आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि अंधेरा बहुत हो चुका है, शाम के 8 बजने इस टाइम। और रास्ते में बहुत इंजॉय किया, हैप्पी को तो आपको लास्ट में दिखाई दिया था। और गाइज, इस व्लॉग को यहीं एंड करता हूं क्योंकि व्लॉग काफ़ी लंबा हो चुका है और मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूं। अगर आपको ये दोनों व्लॉग अच्छे लगे हों तो व्लॉग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए पीस आउट।